आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। झारखंड के ई गुरुकुल में हुनरमंद बन रहे युवा, नौकरी भी मिल रही, साहिबगंज लोहरदगा में खोलने की तैयारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ई गुरुकुल में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर राज्य के युवा हुनरमंद बन रहे हैं। इस साल इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की इच्छा विभिन्न कंपनियों ने व्यक्त की है। इसके तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा और आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं का परिणाम के दिन ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। छठी JPSC मामले में रार बरकरार, हाईकोर्ट ने संशोधित याचिका पर सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट में छठी JPSC को लेकर कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से संशोधित याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। दरअसल कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि छठी JPSC का विज्ञापन जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण पर मुहर। झारखंडी युवाओं की लॉटरी लग गई है, उन पर नौकरियों की बरसात हो रही है। हेमंत कैबिनेट ने बेरोजगारों को जीवन यापन भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75% तक आरक्षण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान नहीं की गई है। रांची में आज शनिवार नो कार साइकिल से विधानसभा पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। रांची नगर निगम इस शनिवार से शनिवार नो कार नामक अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत रांची में हो चुकी है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने आवास से साइकिल से विधानसभा पहुंचे। फिर डराने लगा कोरोना, जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा विशेष जांच अभियान। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जमशेदपुर में भी जांच अभियान तेज कर दिया गया। शुक्रवार को जमशेदपुर के शहरी क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर कुल 3,000 लोगों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया है। वहीं शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में यह जांच अभियान चल रहा है। शेन इंटरनेशनल स्कूल ने पूरी फीस नहीं देने के कारण 75% बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोका, हंगामा। शेन इंटरनेशनल स्कूल मानकों प्रबंधन पर अभिभावकों का गुस्सा शनिवार की सुबह टूट पड़ा। लगभग 9:30 बजे अभिभावक एकत्रित होकर स्कूल पहुंचे। अभिभावकों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा साल भर की पूरी फीस मांगी जा रही है, इस कारण 75% बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोक दिया गया है। पिछले साल की तुलना में आगरा में इस साल जनवरी में 88% कम आई फ्लाइट। ताजनगरी को हवाई मार्ग के जरिए देश के बड़े शहरों से जोड़ने की तैयारी है। मुंबई की नगरी बेंगलुरु और भोपाल के लिए भी इस महीने के आखिर में फ्लाइट शुरू हो रही है। आगामी दिनों में अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ के लिए भी उड़ान शुरू करने की तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त BEO को दिए नियुक्ति पत्र, बोले 4 साल में दी 4 लाख सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगारों के लिए राज्य में मिशन रोजगार चला रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। आज से 4 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, देशव्यापी हड़ताल 15 से। बैंकों में शनिवार से 4 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार 13 मार्च को माह का दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार है। 15 और 16 मार्च को निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 15 व 16 मार्च को देशव्यापी बैंक हड़ताल की जाएगी। प्रधान जिला पंचायत सदस्य एवं BDC के लिए चुनाव चिन्ह जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी है। सभी पदों के लिए पर्याप्त मतपत्र मंगाए जा चुके हैं। चुनाव चिन्हों का निर्धारण भी हो चुका है। इस बार प्रधानी के दावेदार तोप, त्रिशूल, खड़ाऊ जैसे चिन्हों के साथ मैदान में उतरेंगे तो जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार को आरी, ग्लास, कैंची जैसे निशान पर मोहर लगाने की अपील करते नजर आएंगे।